Hello students, hello friends. In today's video lecture, I'm going to tell you in synthesis new lecture, new topic by using a preposition with a noun or gerund. Preposition, noun, gerund के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों का एक सिंपल वाक्य बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस. सिंथेसिस में सिंपल वाक्य बनाने की अनेक तरीके हैं. मैं आपको दो तरीके बता चुका हूँ, बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव. आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जिरण, ये है. पहले देख लेते हैं, नाउन मिस संज्ञा, प्रीपोजिशन मिस संबंध सूचक शब्द और जिरण मिस क्रियावाचक संज्ञा. इनके द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों का एक सिंपल वाक्य बनाना. आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, ध्यान से देखना है, नाउन को देखना है, प्रीपोजिशन को देखना है, जिरण को देखना है. कुछ सेंटेंस खाली नाउन से बनते हैं, कुछ सेंटेंस प्रीपोजिशन से बनते हैं, कुछ सेंटेंस कंबाइन बनते हैं प्रीपोजिशन प्लस जिरण. आपको ध्यान से देखना है. प्रीपोजिशन प्लस जिरण वाला सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है यूपी बोर्ड में और कंपटीशन इंग्लिश में. आप देख लीजिए कंपटीशन एग्जाम में, देखिए शुरू से. आई बॉट ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी. आई स्पेंड 50 rupees. ध्यान से देखिए, मैंने एक पुस्तक खरीदी, मैंने एक पुस्तक खरीदी. आई स्पेंड 50 rupees, मैंने 50 rupees खर्च किए. तो कहना वो ये चाह रहा कि मैंने 50 rupees में एक पुस्तक खरीदी. तो इसके लिए आपको सीखना है, जब कोई वस्तु खरीद जाती है तो उसकी कीमत के लिए प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं ग्रामर में. देख लेते हैं, I bought a book for 50 rupees. तो कहने का मतलब वस्तु की कीमत के लिए प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं. और यहाँ फोर का मतलब है मैं, मैंने 50 rupees में एक पुस्तक खरीदी. अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, गोविंद इज इल. दूसरा सेंटेंस में ही हैज हाई फीवर. दोनों का अर्थ देख लेते हैं. एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. जब तक आप पर एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, आपको हिंदी अर्थ निकालना नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को सक्सेस नहीं कर सकते इन द मैटर ऑफ इंग्लिश. एंड फॉर इट यू आर टू लर्न इंग्लिश स्ट्रक्चर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चर वाक्य, ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी, फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सब सीखना पड़ता है इसके लिए जब आप एक्सपर्ट होते हैं. गोविंद इज इल, गोविंद बीमार है. ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है. तो बीमारी के लिए, इलनेस के लिए देख लेते हैं कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. गोविंद इज इल विद हाई फीवर. एक नई बात सामने आई, पहले सेंटेंस में कीमत के लिए फोर प्रीपोजिशन आई थी, दूसरे सेंटेंस में बीमारी इलनेस के लिए प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया आपने. अब देख लेते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रीपोजिशन भी है और जिरण भी है. जिरण का मतलब क्रियावाचक संज्ञा. ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच है. मैंने आपको बताया है इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. और 3 डबल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, वो कहलाते हैं जिरण, इन्फिनिटिव. पहला होता है जिरंड, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, तीसरा होता है पार्टिसिपल. आपको डबल पार्ट ऑफ स्पीच का विशेष रूप से
इसमें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में अध्ययन करना है। यू आर टू स्टडी डबल पार्ट ऑफ स्पीच, नॉन फाइनिट वर्ब भी कहते हैं इन्हें। अब देख लेते हैं अगला वाक्य। अमित टॉट मी हिंदी, पूरा सेंटेंस नहीं, ही गेव मी 5 रुपीज, अमित ने मुझे हिंदी पढ़ाई, उसने मुझे 5 रुपये दिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें परिपोषण भी जीर्ण आएगा। अब तक 2 वाक्यों में केवल परिपोषण आया था, अब परिपोषण के साथ जीर्ण भी आएगा। बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ाने का अतिरिक्त ये कौन है, अमित है। अभी बताता मैं आपको, ये अमित गेव मी 5 रुपीज, 5 रुपीज देख लेते हैं। अमित टॉट मी हिंदी, अमित ने मुझे हिंदी पढ़ाई, ही गेव मी 5 रुपीज, उसने मुझे 5 रुपये दिए। तो उसने दोनों काम किए, पहले हिंदी पढ़ाई फिर 5 रुपये दिए। बिसाइड्स तो हो गया परिपोषण और टीचिंग हो गया जीरण। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आंजी लगाने से जीरण बनता है और हिंदी वाक्यों में इसका निकलता है ना ने नी। देख लेते हैं, बिसाइड टीचिंग पढ़ाने के अतिरिक्त, बिसाइड टीचिंग पढ़ाने के अतिरिक्त, मी मुझे, हिंदी हिंदी मुझे, हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त, अमित गेव मी 5 रुपीज, अमित ने मुझे 5 रुपये भी दिए। मतलब दोनों काम हुए, हिंदी पढ़ाई 5 रुपये भी दिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस देख लेते हैं, वेरी एक्सीलेंट सेंटेंस ऑफ द डे, देख लेते हैं ध्यान से। सोहन फेल्ड, सोहन फेल हो गया। ही हियर्ड दी न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। 3 घटनाएं घटी एक साथ, फेल हो गया, उसे पता लग गया, समाचार सुन लिया, बेहोश हो गया। तो इसे एक वाक्य बनाना इसका, इसी को तो सिंथेसिस कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंपल वाक्यों का एक सिंपल वाक्य बनाना, या कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना, या कंपाउंड वाक्य बनाना, क्या कहलाता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, वाक्य को जोड़ना। अब इनका हमें एक सेंटेंस बनाना है। ऑन हियरिंग दी न्यूज ऑफ हिज फेलर, अमित फेंटेड, मतलब कहने का ओन परिपोषण हियरिंग जीरण, परिपोषण विद जीरण, ओन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर अमित फेंटेड, अमित बेहोश हो गया। आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू बी वेरी परफेक्ट इन द मैटर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्ट्रक्चर। आपको तरह तरह के इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने पड़ते हैं, ट्रांसलेशन सीखना पड़ता है, वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ती है, वोकैबुलरी पढ़नी पड़ती है, वोकैबुलरी शब्द ज्ञान, आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इनकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी याद कर सकते हैं। जितने आप ज़्यादा वोकैबुलरी याद करेंगे, इतना ही इम्पैक्ट आपका, इतने प्रभाव इंग्लिश पे बढ़ेगा। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू दैट ऑन यूट्यूब आल्सो आई एम टीचिंग द न्यू स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश डीप ग्रामर, एंड माई चैनल नेम इज स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। वहाँ भी आप पढ़ते रहें, आपके मतलब प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको डेवलप करना है अगर इंग्लिश, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ग्रुप में भी पढ़ते रहें। दैट्स ऑल।